भाजपा विधायक 301 प्रभात वर्मा ने बताया कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बताया ट्विटर नेता, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, हर गांव की लहर, हर गांव हर शहर। नमस्कार, एफटी न्यूज में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं बतौर भाजपा गौरा विधायक अपने गौरा विधानसभा क्षेत्र में 4.5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में मस्कनवा फार्म हाउस पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए बताया कि अखिलेश यादव घर से ना निकलकर केवल ट्विटर पर नेतागिरी करते हैं, वह ट्विटर वाले नेता हैं तथा भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को बताते हुए पत्रकारों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा तथा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने की बात करते हुए जनमानस से सहयोग के लिए अपील किया। इस अवसर पर अनूप गुप्ता, विधानसभा प्रभारी राजीव गुप्ता, मंडल प्रभारी नीरज पटेल, ब्लॉक प्रमुख बभन जोत, अनिल कुमार पासवान, ब्लॉक प्रमुख छपिया भूपेंद्र मिश्र, अध्यक्ष प्रधान संघ जसवंत सिंह, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पांडे, मंडल अध्यक्ष शोहरत वर्मा, मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव, मंडल अध्यक्ष राजन सिंह, अंबिका साहू, रामचंद्र वर्मा, रामलौट यादव, राम मूरत वर्मा, भगवान दीन मिश्रा, रक्षा राम वर्मा, अरुण प्रकाश शुक्ला, सुनील वर्मा प्रधान, प्रेमचंद पटेल, शिव कुमार वर्मा तथा तमाम क्षेत्रीय जनता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत से काम कराएंगे, जिसको हम लोग विधायक निधि हो, पूर्वांचल निधि हो, चाहे राज्य सड़क निधि हो, तमाम निधियों के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछाया गया, जिसमें हम कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं को आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम सड़कों से शुरुआत करें। देश की आजादी से जो छोटी मोटी सड़क बनी हुई थी, अभी जल्दी जिसको लेकर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता सभी लोग चर्चा करते थे, जो मनकापुर से लेकर सादुल्ला नगर, गौरा चौकी, खोड़ारे बभनान का 23 किलोमीटर का भाग जो नहीं बनाया गया था, इस सड़क को 50 करोड़ की लागत से हमारी सड़क, ये डीएमबी दर्जी कुआं मनकापुर बभनान मार्ग कहते हैं, 23 किलोमीटर अवशेष भाग स्वीकृत हो गया और जल्दी उस पर टेंडर भी हो गया, जल्दी उस पर हमारे समझ से अक्टूबर से उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। जनपद गोंडा में हमारे क्षेत्र में जहां स्टेट हाईवे एक भी नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी जब बनटानिया गांव में आए तो हमने विधायक निधि से अपने इस क्षेत्र में जो महापुरुष हमारे आदर्श हैं, हम उन महापुरुषों के नाम पर भी कई गेट, 8 गेट लगने जा रहा है। जल्दी 1 महीना 2 महीना के अंदर हमारे क्षेत्रों में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, सरदार पटेल जी के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर, प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर और हमारे हम लोगों के नेता रहे, हमारे प्रेरणास्रोत रहे माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर ही एक भव्य गेट जो डुमरियागंज विधानसभा से सीधे अयोध्या को जोड़ती है, इस सड़क पर लगाया जाएगा, जिससे अयोध्या जाने वाले लोग जब धार्मिक नगर। यूएफटी न्यूज 24 के लिए गोंडा से दिलीप भट्ट की रिपोर्ट।